ब्यूटीफुल मेमोरीज होती हैं आपकी टीनेज की, एंड माय टीनेज बिकेम मोर ब्यूटीफुल मेमोरीज बिकॉज ऑफ यू. हमारे मुल्क में यू नो देयर इज अ सीरियस डर्थ ऑफ एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंट के एवेन्यूज बहुत, और जिस जमाने की आप बात कर रही हैं उस जमाने में तो बिल्कुल ही नहीं थे. 90s में आपके किसी प्ले पे कभी कोई ऐसी बनिया हुआ, किसी मिनी गॉल्फ में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, किसी की हिम्मत नहीं थी होती कि कोई बदतमीजी करे, ये सब पाकिस्तान में कैसे मेंटेन किया? मुझे नहीं लगता मैं टैलेंटेड हूँ. मुझे बिल्कुल नहीं फील होता. मुझे बस शायद एक टैलेंट है मुझ में कि मैं मुख्तलिफ लोगों के टैलेंट को इकट्ठा करके उसकी पैकेजिंग अच्छी कर लेता हूँ. इसमें आई एक्चुअली गॉट लकी ऑल्सो. यू नो अल्लाह ब्लेसेस यू. You know, sometimes I was very much inclined towards discipline. You know, जो भी मैंने ज़िंदगी में कुछ करने की कोशिश की है, मेरा सबसे पहले जहन में जो चीज़ आती थी कि discipline होना चाहिए. थिएटर में भी मैं पूरी कोशिश करता था कि ऑडियंस में भी एक discipline हो. वो मैं कहता हूँ कि I have always been on the run. हर वक्त मैं कुछ ना कुछ. आगे क्या plans हैं? मैंने अपनी life dedicate की है थोड़ी सी, that I want to spend lots of time with my children. Wife को थोड़ी बहुत उर्दू आती है? Because right now I want to dedicate a song for your wife. So, नई नस्ल है ना, इसको मेरा पैगाम ये है कि आपकी जो ज़िंदगी है ना ये वेस्ट हो रही है. जिस मुल्क में इंसाफ होगा ना उस मुल्क के सारे मसले हल हो जाएंगे. तो यंगस्टर्स को मेरा पैगाम ये है कि इंसाफ के लिए निकलें, इंसाफ के लिए उठें, इंसाफ के लिए स्टैंड लें. जब आप इंसाफ के लिए जंग लड़ेंगे और जब आपके मुल्क में इंसाफ होगा तो आपका मुल्क तरक्की भी करेगा और आपके मुल्क की एक नहायत अच्छी रेपुटेशन होगी. Hi viewers, this is Nadia Sajid. I'm very very excited today. I owe a lot to a person jisne meri teenage memories ko bahut beautiful banaya, and he's with us today. Assalamu alaikum Shah Sharabil. Ji assalamu alaikum. Kya haal hai Nadia? Thank you so much for inviting me to your show. Thank you so much for being here. You're here for a little while and for giving us time. Nahi not at all. Sharabil, आपकी लाइफ की सबसे बड़ी हाइलाइट, सबसे ब्यूटीफुल मेमोरीज होती हैं आपकी टीनेज की, एंड माय टीनेज बिकेम मोर ब्यूटीफुल मेमोरीज बिकॉज ऑफ यू. ओहो रियली? आपके ऑल दैट जैज के कपड़े मेड मी लुक यू नो सो मॉडर्न एंड यंग एंड नाइस. यस, वहां से शुरू किया. आपके इंग्लिश प्लेज, दोज वर द हाइलाइट ऑफ माय लाइफ. इतने ब्यूटीफुल वो प्लेज होते थे. थैंक यू. जब वो जहां पे सिर्फ अल्हम्ब्रा में वो स्टेज ड्रामे चलते थे पंजाबी के एंड ऑल दैट, उसके बीच में एक व्हाट अ रेवोल्यूशन इंग्लिश प्लेज आए. दे वर सो ब्यूटीफुल. बहुत मजे का उसमें टच होता था. वो देखने शुरू किए विद कनेड फ्रेंड्स. आई यूज्ड टू गो देयर. उसके बाद व्हाट नॉट, मिनी गोल्फ आया. वहां पे फ्रेंड्स के साथ जाना शुरू किया टू हैंग आउट. अदरवाइज हमारे पास स्पेशली फॉर फीमेल्स कोई ऐसी हैंग आउट प्लेस नहीं थी वेयर वी कैन गो इजीली एंड गेट सम यू नो. नहीं तो खाने पीने की बस जगह होती थी. बहुत मजा आया. And I felt so proud. Like most of my paternal family lives in US. अच्छा. तो मेरे जब cousins आते थे या family आती थी America से, so historical places तो लाहौर में काफी हैं लेके जाने के लिए. I didn't have any place to show them around के hang out करें कि अपने cousins के साथ दिखाएं कि this is our Lahore. जब mini golf आया तो I felt so proud कि जी आओ let's hang out at mini golf. Credit goes to you. No, आपकी creativity, so आपकी thank effort, आपने जो उसका atmosphere maintain किया. जी, thank you so much for everything. आपको बुलाने का आज सिर्फ मकसद आपका interview लेना नहीं. I just wanted to thank you in front of camera, in front of everyone. This is an honor. This is an honor. No, thank so you. So for making our life so beautiful in that era where there was nothing, no other entertainment and thank you. No thank better you. Or entertainment you can say. Thank you so much for that. नहीं थैंक यू सो मच. और मुझे भी मज़ा आ रहा है क्योंकि अमूमन जो इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें यू नो यू आर नेवर प्रेज्ड लाइक दिस यू नो. सो थैंक यू फॉर ऑल द अप्रिसिएशन. और बाकी में हमारे मुल्क में यू नो देर इज़ अ सीरियस डर्थ ऑफ एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंट के एवेन्यूज़ बहुत, और जिस ज़माने की आप बात कर रही हैं उस ज़माने में तो बिल्कुल ही नहीं थे. 90s में, सो लेट 90s अर्ली 2000. तो और मुझे खुद मज़ा आ रहा है अभी आपसे सुन के कि आपको ऑल दैट जैज़ तक याद है.
because all that jazz all that jazz jo thi I still saved some of the winter clothes acha because they never go back aur theater bhi aapne dekha fir aapne mini golf bhi dekha to aapka bada lamba saath hai mera na bahut saath hai until I got married and I went abroad jab tak lahore mein rahi hu aapke saath aapki cheezon ke saath bahut zabardast which was your बेस्ट वेंचर क्या किसका सबसे ज़्यादा मज़ा आया आपको लगा होगा सबका वैसे पूरी जनरेशन पे बहुत इम्पैक्ट है आई कांट बिलीव इट कि वो हम लोग बहुत से कॉन्सर्ट्स वगैरह पे नहीं जा सकते थे बिकॉज ऑफ द एटमोसफेयर देयर कोई ना कोई लड़ाई ज़रूर हो जाती थी और कोई ना कोई बदतमीजी ज़रूर होती थी इफ़ यू आर गोइंग अलोन विद योर फीमेल फ्रेंड्स आपके किसी प्ले पर कभी कोई ऐसी बनिया हुआ किसी मिनी गोल्फ में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ किसी की हिम्मत नहीं थी होती कि कोई बदतमीजी करे ये सब पाकिस्तान में कैसे मेंटेन किया I mean not just making of it was a big thing but to maintain a good atmosphere I must salute you for that isme I actually got lucky also you know Allah blesses you you know sometimes dusra mujhe shuru se hi pata nahi kya wajuhat thi ki I was very much inclined towards discipline you know jo bhi maine zindagi mein kuch karne ki koshish ki hai to mera sabse pehle zehen mein jo cheez aati thi ki discipline hona chahiye तो थिएटर में भी मैं पूरी कोशिश करता था कि ऑडियंस में भी एक डिसिप्लिन हो बैक स्टेज भी डिसिप्लिन हो ड्यूरिंग रिहर्सल्स भी एक डिसिप्लिन हो तो इसी तरह जब मिनी गोल्फ बनाया तो मिनी गोल्फ बनाते वक्त ही अंदाज़ा हुआ कि इस जगह को मैंने एक मीटिंग लाउंज भी बनाना है यू नो वेयर ऑल द यंगस्टर्स एंड ऑल दी हाँ दे शुड ऑल कम एंड मीट और फिर जब एक जगह को आपने एक मीटिंग प्लेस बनाना है तो उसको मेंटेन रखने के लिए जिंदा रखने के लिए टाइडी रखने के लिए यू हैव टू हैव सम डिसिप्लिन तो वो बस ये था कि शुरू से ही इंक्लिनेशन डिसिप्लिन की तरफ ज़्यादा थी एंड लाइक आई सेड आई गॉट लकी आल्सो और हमेशा अच्छी टीम भी मिल गई अच्छे लोग भी मिल गए और उन सबको फिर इकट्ठे चलाया और सो चीज़ें होती गई छोटे मोटे इंटरेस्टिंग किस्म के एपिसोड्स होते थे थिएटर में भी अमंग ऑडियंस भी होते थे अमंग एक्टर्स भी होते थे बैक स्टेज भी बड़े मज़े मज़े के एक्सीडेंट्स होते थे तो उनमें भी एक खूबसूरती होती है तो ये है कि और लोग भी जो है ना अगर मैंने देखा है कि अगर लोगों को आप अच्छी इन्वायरमेंट देंगे ना एक अच्छी एम्बियंस देंगे अच्छी इन्वायरमेंट देंगे तो उसमें उसी तरह बिहेव करेंगे अभी आप देखें कि जैसे हमारे हम जितने भी पाकिस्तानी हैं हम जब बाहर जाते हैं तो हम लाइन में भी लग जाते हैं हम बाहर जाते हैं तो हम काफ़ी वो चीज़ें करते हैं जो वहाँ पे करते हैं वो इसलिए करते हैं कि वो एनवायरनमेंट ऐसी होती है कि फिर हमें उस एनवायरनमेंट में उसी तरह से बिहेव करना पड़ता है फिर जैसे हम पाकिस्तान वापस आते हैं तो हम बिखर बिखर जाते हैं एग्जैक्टली तो इसी तरह मैंने हमेशा यही सोचा कि यार जब भी मैं कोई प्ले करूँगा तो मेरे जो ऑडिटोरियम के अंदर ऑडियंस बैठी होती है तो वहाँ भी मैंने एक एनवायरनमेंट क्रिएट करनी है एक साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी बनानी है ताकि लोगों को लगे कि डिसिप्लिन से बैठना है उठना है जाना है कर्टन कॉल की रिस्पेक्ट करनी है एक दूसरे को तंग नहीं करना मोबाइल्स बंद करने हैं इसी तरह मिनी गोल्फ में भी ये अप्रोच थी तो लाइक आई सेड आई गॉट लकी आल्सो यू वर नोन एवरीवेयर इन पाकिस्तान यू नो आपका नाम आ जाए सबको पता है हु इज शराबील आपकी शक्ल नज़र आ जाए सबको पता चल जाता है ये जैसे शराबील आपकी ऑरेंज फॉक्सी नज़र आ रहे दूर से सबको पता होता था शराबील इज कमिंग हाउ डू यू फील लाइक यू हैव मूव्ड टू यूके अच्छा लगता है कि लाइक पीपल डोंट नो यू देयर इतने फेम के बाद और मेरी जिंदगी के जो दोनों हिस्से थे जिनमें एक थिएटर था तो जो दूसरा हिस्सा था वो भी पब्लिक डीलिंग में और लोगों में थोड़ा सा यूनिक होता था जैसे ऑल दैट जैज वॉज अ वेरी मॉडर्न डिफरेंट बुटीक इन दोज टाइम्स तो बड़े लोग आते थे फिर मिनी गोल्फ जो था इट वॉज प्रॉबली दी ओनली आउटडोर प्रोजेक्ट इन लाहौर फॉर एंटरटेनमेंट वेयर यू नो ऑल द रिच एंड फेमस वुड कम एंड एन्जॉय देमसेल्व्स तो फिर वो इस वजह से थोड़ी सी रिकग्निशन ज़्यादा हो गई और जहाँ तक आपका सवाल है कि लंदन जाके कोई मुझे जानता नहीं है तो मुझे कैसा फील होता है आप यकीन माने मुझे बड़ा मज़ा आता है क्योंकि एज कुछ ऐसी हो गई है और फिर मेरी ज़िंदगी बड़ी हंगामा खेज रही है वो मैं कहता हूँ कि आई हैव ऑलवेज बीन ऑन द रन हर वक्त मैं कुछ ना कुछ आई थिंक आई वाज 16 और उसके बाद मैं कभी ये कर जैसे
ये ऑल दैट जैज़ से पहले एक म्यूजिकल बैंड था नाइट क्रीचर्स उसके बाद फिर मैंने ज्वाइन, फिर मैं तब कॉन्सर्ट्स करता था, कॉन्सर्ट्स पे कंपेयरिंग करता था, फन फेयर्स पे कंपेयरिंग करता था, वो भी बड़े मजे से स्टार्ट देते थे कॉन्सर्ट्स का, ताकि लड़ाई ना हो, वो एक्चुअली बाय डिफॉल्ट, हां एग्जैक्टली, वो एक्चुअली हुआ ये कि एक दफा एक कॉन्सर्ट पे लड़ाई हो गई, जुपिटर्स होता था उसके स्टार्टअप करते थे या अच्छा उस कॉन्सर्ट पे लड़ाई हो गई और मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैंने कहा यार अभी तो शुरू ही नहीं हुआ ये और ये पहले लड़ पड़े हैं तो ये तो कॉन्सर्ट खराब हो जाएगा, तो आई वाज नोबडी देयर, सो आई जस्ट पिक्ड अप द माइक और मैंने लोगों को बिठा बिठू दिया और मैंने ना वो लड़ाई खत्म करा दी, तो कॉन्सर्ट शुरू हो गया और कॉन्सर्ट बड़ा चला। तो उसके बाद ये हुआ कि जब भी कोई उस जमाने में कॉन्सर्ट करता था ना, मुझे ढूंढते थे कि यार तूने आके लड़ाई को बस नहीं होने देना, तो मैं कहता था चलो वैसे कर लेते हैं, सो आई यूज्ड टू होल्ड द माइक एंड आई यूज्ड टू टेल पीपल यार कुछ भी नहीं है इस मुल्क में, पहले ही बैठ जाओ ठप जाओ, ठीक है। तो म्यूजिक किया, फिर मैंने एक बुटीक ज्वाइन की रीफ मेंस वेयर, वो भी एम्पायर सेंटर में थी, फिर मैंने अपनी ये बुटीक खोली ऑल दैट जैज, फिर ऑल दैट जैज के बाद साथ साथ प्लेज कर रहा था, पढ़ रहे थे साथ साथ, साथ साथ पढ़ाई कर रहा था, साथ साथ मोहब्बतें कर रहा था, यू नो हाउ इट इज, फिर वो पेस खुला आपकी, वो मुझे कनेड के बाहर अक्सर ही आपकी ऑरेंज फॉक्सी फिरती नजर आती थी, ऑरेंज भी थी, फिर वो येलो भी थी, फिर वो रेड भी थी और आजकल वो वाइट है, सोबर होगी विद एज, एग्जैक्टली, सो हर 5 साल बाद मैं उसका रंग चेंज करता हूँ। तो फिर जब पेस खुला तो पेस वाज अ न्यू प्रोजेक्ट आल्सो, तो पेस में मेरा एक जूस बार होता था, उसका नाम था मैलिबू, मैं वहां भी गई हूं आप, जबरदस्त जबरदस्त, सो यू बीन माय क्लाइंट एवरीवेयर, लुक एट दैट, दिस इज अमेजिंग, सो वो मैलिबू था। और सो ये सारे आप देखें, ये मेन बुलेवार्ड वाज द शांज़ेलीज़े ऑफ पाकिस्तान, है ना, सो मेन बुलेवार्ड पे मिनी गोल्फ था, मेन बुलेवार्ड पे ऑल दैट जैज, रीफ, मैलिबू, फिर मिनी गोल्फ भी मेन बुलेवार्ड पे खुला, सो मैंने अपनी सारी जिंदगी जो है ना मेन बुलेवार्ड पे और ये एम एम आलम रोड पे गुजारी है। फिर जब प्लेज होते थे तो पहले कदाफी स्टेडियम में होते थे, तो वो भी मेन बुलेवार्ड के बिल्कुल पछवाड़े में था, अलहमरा में, सो आई थिंक वो एक छोटा सा सर्कल था लाहौर का, लाहौर में फिर आप सब एक दूसरे को जानते हैं। तो वो इस वजह से थोड़ी रिकग्निशन और नाम बन गया, वैसे थिएटर में कोई ग्लैमर फेम नहीं होता, बट लंदन में यू नो आई एंजॉय द सेरेनिटी एंड द काम एंड द पीस दैट आई हैव, क्योंकि मेरी जिंदगी रोलर कोस्टर थी हमेशा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी लड़ाइयाँ, कभी जंग चल रही है, कभी जहाज चल रहा है, कभी सर्वाइवल, कभी कुछ, बट लंदन में ये है कि लकीली मेरा घर भी कंट्री साइड में है, ग्रेटर लंदन में, तो वो मैं जाता हूँ, वॉक्स करता हूँ और लेक्स पे जाके बैठ जाता हूँ और अपना सॉलिट्यूड इन्जॉय करता हूँ, और फिर कभी कभी सेंट्रल लंदन थिएटर देखने चला जाता हूँ, ड्रामा देखने चला जाता हूँ, कभी कभी हल्ला गुल्ला देखने भी चला जाता हूँ, तो लंदन में तो एवरीथिंग इज सो डिसिप्लिन्ड एंड आई एंजॉय इट एंड आई लव इट। फिर एक दफ़ा मैं एक ईलिंग ब्रॉडवे स्टेशन पे इस तरह रात को लेट नाइट वॉक करके जा रहा था, तो मैंने देखा 3 लड़के आपस में बातें कर रहे थे और आपस में उनमें से किसी ने शराब बील का, तो मैंने कहा शायद मुझे बुलाया, मैंने देखा तो उनको पता ही नहीं था मैं गुजर रहा हूँ, वो आपस में बातें कर रहे थे और वो भी कोई प्ले देख के आए थे, तो मैं चला गया वहाँ से, बट मुझे अच्छा लगा कि मैंने कहा देखो इतनी दूर ही यहाँ बैठे बात कर रहे हैं, तो वो तब मुझे हल्का सा रिमाइंडर मिला कि यार पाकिस्तान में तो 2 लोग जानते थे बट यहाँ नहीं, बट फिर यू नो यू जस्ट गेट ओवर दिस ऑल्सो सम पॉइंट इन टाइम इन लाइफ। कहते हैं ना कि खुदा किसी पे बहुत ही ज़्यादा मेहरबान हो जाता है, दैट कम्स टू यू एंड योर फैमिली, माशाल्लाह पूरी फैमिली थी टैलेंटेड, योर मॉम वाज अ ग्रेट एक्टर इन ड्रामास, उसके बाद आपका तो खैर मल्टीटास्किंग का वो सारा चलता रहा, योर सिस्टर इरसा, आई एम अ बिग फैन ऑफ हर्स, उसका कोई भी ड्रामा आता है आई कांट, आई एम नॉट अ ड्रामा पर्सन, लेकिन इरसा को कोई ड्रामा है आई कांट मिस इट बिकॉज ऐसी नेचुरल एक्टिंग, अच्छा जी, मैंने बिलीव में कहीं नहीं देखी, इंडिया में कह लो या किसी, कितना नेचुरल, इट्स कम सो नेचुरली फ्रॉम हर, सो वो आपकी जो छोटी बहन उष्णा, शी इज डूइंग ग्रेट, शी इज सो ब्यूटीफुल एंड शी इज सच अ ग्रेट एक्टर, बस देख लें सुफ्तारी फैमिली में टैलेंट आ गया, ये क्या आई गेस इट, अच्छा मुझे वैसे, मैं फिर वो ऐसे लगेगा जैसे बड़ा हम्बल बनने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे नहीं लगता मैं टैलेंटेड हूं, मुझे बिल्कुल नहीं फील होता, मुझे बस शायद एक टैलेंट है मुझ में कि मैं मुख्तलिफ लोगों के टैलेंट को इकट्ठा करके उसकी पैकेजिंग अच्छी कर लेता हूँ,
और उनके अंदर से टैलेंट निकाल लेता हूँ, फिर उसको चैनलाइज कर देता हूँ. सो मे बी दैट इज वेयर आई एम अ लिटिल बिट टैलेंटेड, अदरवाइज आई एम ऑल राइट. बट यस, आई थिंक वी हैव बीन ब्लेस्ड एंड लकी. शर्विल, यू आर हैप्पीली मैरिड, माशाल्लाह. जी शुक्र है, फाइनली. पाकिस्तानी जी. सो कैसा लगता है, लाइक शी कांट अंडरस्टैंड योर देसी जोक्स? हाँ, मैं असल में बड़ा ह्यूमरस है, वो प्लेस से मुझे हल्का, हल्का फुल्का मरासीपन था. लोगों को हंसाना, दोस्तों को हंसाना, हाँ मस्ट है. यू कांट बी अ लाहौरी इफ यू डोंट हैव दैट स्ट्रीक, यू नो. यू गॉट हैव दैट स्ट्रीक ऑफ स्पाइसी ह्यूमर, यू नो. तो वो हमेशा से था, स्कूल में भी, कॉलेज में भी, दोस्तों में भी. मैं हर एक को हंसाता हंसता रहता था, खेलता कूदता रहता था. बीवी के साथ मैं कुछ और इन्जॉय करता हूँ, उसके साथ मैं, शी इज़ अ वेरी वेरी प्योर, वेरी इनोसेंट पर्सन. तो वो नाइव है और थोड़ा सा वो ना बिल्कुल आर्टिफिशियल नहीं है. तो मैं उसकी प्योरिटी को इन्जॉय करता हूँ. शी इज़ वेरी सिंपल. और तो कभी कभी वो उसकी सिंपलिसिटी को खराब करने की अपनी कोशिश नहीं की अपने देसी ह्यूमर से. नहीं नहीं, उसको तो मैं रिटेन रखूंगा, बिकॉज दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग दैट आई चेरिश इन हर. तो कभी कभी मैं खाने मिस करता हूँ. हाँ, बहुत सी चीजें, क्योंकि वो बेचारी खाना नहीं बना सकती. उसने मेरी बहन से दाल बनाना सीखी है और वो अच्छी बना लेती है दाल. तो ये है कि खाने मिस करता हूँ, और ये है कि लेकिन कभी कभार मुझे, मेरे पास गेस्ट बहुत आते रहते हैं लंदन में, दोस्त आते रहते हैं, तो फिर वो जो ये वाली फुलफिलमेंट है, हाँ ये वाली फुलफिलमेंट मिल जाती है. वो बल्कि मुझे ये कहती है, जब तुम्हारे को पाकिस्तान से दोस्त आते हैं तो उनके साथ तुम इतने जॉली हो जाते हो, इतना एंजॉय कर रहे होते हो, तो अदरवाइज क्या तुम सैड होते हो? मैंने कहा नहीं, ये बात है कि वो रेसिप्रोकेट करते हैं ना, तो हम दोनों फिर, हाँ एग्जैक्टली. सो इट्स ब्यूटीफुल. मैं मिस करता हूँ कई दफ़ा, जब लंदन में बहुत ज्यादा लंबा रहता हूँ और नहीं आ सकता लाहौर पाकिस्तान. जैसे ड्यूरिंग लास्ट फ्यू इयर्स कोविड, हाँ जी, कोविड की वजह से मैंने बहुत कम ट्रैवल किया. आई थिंक आई वाज देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो तब मैंने मिस किया था. लेकिन मैं कसर छोड़ता नहीं हूँ, जब आता हूँ तो कॉलेज के दोस्तों को, स्कूल के दोस्तों को ढूंढता हूँ, पुराने दोस्तों को ढूंढता हूँ. मुझे पुराने दोस्तों से मिलने का इतना इश्तियाक और शौक है. पुराने नेबर्स को ढूंढता हूँ जाके, पुराने पुराने दोस्तों को ढूंढूंगा, उनको इकट्ठा करूंगा. हालांकि मैं बाहर से आया होता हूँ, उनको चाहिए कि सबको इकट्ठा करें. मैं कहता हूँ नहीं यार, मैं होस्ट बन जाऊंगा, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, सबको इकट्ठा करता हूँ. तो फिर हाँ, करना पड़ता है कई दफा. सो या लाहौरी, तो गपशप और सेंस ऑफ ह्यूमर और छेड़खानी के बगैर तो जिंदा नहीं रहा जा सकता. एग्जैक्टली. अच्छा शरबील, आगे क्या प्लान्स हैं? वो वाला शरबील वापस लाने का है कोई? असल में जो आगे के प्लान्स हैं ना, वो कुछ बड़े खुफिया हैं. और एक ही प्लान है, कोई ज़्यादा प्लान्स नहीं है, एक ही प्लान है. जिंदगी उसी के इर्द गिर्द घूम रही है, और एक कोई चीज़ करनी है मरने से पहले, कोशिश ज़रूर करनी है. तो पता नहीं कुछ होता है, नहीं होता, कामयाब होती है, फेल होती है, अल्लाह ताला नोस. तो उसके अलावा जो एक और एजेंडा है, जो कि मैं तो वो नहीं बताएंगे आप, वो उसको क्या डिस्कस करना. एक सीक्रेट प्लान है. अच्छा, दूसरा प्लान. दूसरा ये है, मैंने अपनी लाइफ डेडिकेट की है थोड़ी सी, दैट आई वांट टू स्पेंड लॉट्स ऑफ टाइम विद माय चिल्ड्रन, बिकॉज आई डोंट वांट टू मिस आउट ऑन माय द चाइल्डहुड दैट यू नो दे हैव. सो मैं बहुत ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करता हूँ लंदन में. मैंने अपने आप को बिजनेस में, काम में भी, ये एक विशेष सर्कल है, पैसे कमाना, यू नो, यू ऑलवेज वांट मोर मोर एंड मोर. तो नीड्स भी बढ़ती जाती हैं. हाँ, नीड्स भी बढ़ती जाती हैं. तो मैं उसमें से किसी तरह अपने आप को काफ़ी हद तक निकाल चुका हूँ, टू अ ग्रेट एक्सटेंड. सो आई जस्ट वॉन्ट टू स्पेंड मोर एंड मोर टाइम विद माई फैमिली एंड विद माई चिल्ड्रन. बट यू नो, टू मेक टू एंड्स मीट एंड टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ सेविंग एंड टू मेंटेन योर लाइफ स्टाइल, सो यू नो, यू हैव टू हैव अ सर्टन business up and running and protecting you and providing you. तो उस हद तक मैं काम करता हूँ, और उससे ज़्यादा मैं काम करना नहीं चाहता. कई मुझे मेरे दोस्त आना देते हैं कि नहीं, अब तू शायद वो एनर्जी लेवल्स नहीं रहे, या इतना पैशनेट नहीं रहा अबाउट बिजनेस. तो मैंने कहता हूँ ऐसा है नहीं, एक्चुअली ये है कि आई वॉन्ट टू स्पेंड मोर टाइम विद माई फैमिली. तो उसको मैं बहुत चेरिश कर रहा हूँ, एंड आई हैव बीन वेरी वेरी लकी that I get to spend so much time with my children and with my home and with my family. तो उसको मैं बहुत cherish कर रहा हूँ, and it's so beautiful. I think nothing is more beautiful than that. You are an icon for creativity.
आपके बच्चों में कहीं थोड़ा कुछ नजर आता है? They are not that small, थोड़ा। I see my daughter, she is all the time drawing. उसमें मुझे ऐसी streaks नजर आती हैं that you know she'll be creative. और बच्चे मेरे ढेर सारी क्लासेस लेते हैं. They go for music, they go for ballet, they go for dance, they go for riding, swimming. तो अब देखते हैं उनमें से कौन क्या बन पाता है. और मेरी बेटी जो है वो थिएटर की क्लासेस भी लेती है. तो आप देखें क्या बनेगा. सो अभी आई कांट रियली टेल बिकॉज दे आर डूइंग सो मेनी थिंग्स. सो लेट्स सी वेयर दे गो इंशाल्लाह. शिरबील वाइफ को थोड़ी बहुत उर्दू आती है मेरी बीवी. बिकॉज राइट नाउ आई वांट टू डेडिकेट अ सॉन्ग फॉर योर वाइफ जस्ट टू लाइन्स शी इज अवे. अच्छा. या व्हेन शी विल सी दिस शी नो दैट यू आर मिसिंग हर. मतलब मैं वो गाना गा देता हूँ जो मुझे पता भी नहीं होता और मैं गुनगुना रहा होता हूँ गाड़ी में बैठे हुए सोते हुए खाना खाते हुए. एंड आई डोंट नो फॉर सम ऑड रीजंस आई सिंग दिस सॉन्ग अ लॉट. तो वो गा देता हूँ थोड़ा सा. जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं. आगे क्या था? चलते हैं सब मगर है ये कैसी डगर कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं. सो आई थिंक आई लव द लिरिक्स ऑफ दिस सॉन्ग. शी लाइक्स दिस सॉन्ग यू वर टेलिंग मी. सो दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू माय ब्यूटीफुल वाइफ दारिया. शी लाइक्स दिस सॉन्ग व्हेन यू सिंग इट. एंड दिस ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ लाइफ वुड नॉट हैव बीन सो अमेजिंग यू नो इफ शी वाज नॉट इन माय लाइफ. या ब्यूटीफुल. शरबील एनी मैसेज बिफोर यू गो फॉर द यंग पीपल जो आजकल की माई जनरेशन है जो सिर्फ सारा वक्त सोशल मीडिया पर रहना चाहती है या पढ़ लेते हैं बट या अदर देन एजुकेशन द लाइफ इज ऑल अराउंड सोशल मीडिया एंड द मोबाइल फोन्स. एनी मैसेज फॉर देम. आपने सवाल जो आपने सवाल मुझसे पूछा है और अभी जब आप पूछ ही रही थी तो एकदम इंस्टेंटली मेरे जहन में आया कि मैं क्या मैसेज दूँ. और अगर ये आइडिया ना आता मेरे जहन में तो मैं शायद कोई बड़ा बिलो एवरेज सा जवाब दे देता. एक यू नो नई नस्ल को क्या पैगाम देना. इट्स अ वेरी टिपिकल क्वेश्चन बट आई थिंक आई वुड लाइक टू से समथिंग हियर फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट कि आप देखें हमारे जिंदगी में जो सबसे गोरा कहता है टाइम इज़ मनी. तो वो शायद उसको इस सेंस में कहता है कि आपके पास टाइम है उस टाइम में आप जाएँ अपना बिजनेस करें अपनी जॉब करें और जाके पैसे कमाएँ. और अगर आप उस टाइम को ज़ाया करेंगे तो You're wasting money. मैं पिछले दिनों एक साहब से बात कर रहा था. वो सऊदी अरेबिया में होते हैं बड़े पढ़े लिखे हैं. कोई काम था मुझे तो वो बड़ी लंबी बात होगी तो उसमें उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की. उन्होंने कहा कि हमारे कुरान मजीद में अल्लाह ताला एक जगह कसम खाते हैं कि ज़माने की कसम. सो ज़माने से मुराद टाइम है. सो टाइम आप ये देखें कि अल्लाह मियाँ किस चीज़ की नहीं कसम खा सकते थे. अल्लाह मियाँ कह सकते थे हज़रत ईसा की कसम हज़रत मोहम्मद की कसम. अल्लाह उनसे कितना प्यार करते थे. दे वर द मोस्ट लव्ड प्रॉफिट्स बाय गॉड अलमाइटी. लेकिन अल्लाह ताला ने कहा मैं ज़माने की कसम खा के कहता हूँ. इसका मतलब है टाइम जो है उसकी कसम अल्लाह ने खाई. और अल्लाह को पता है कि सबसे कीमती शय जो होती है हम अपनी माँ की कसम खाते हैं बाप की कसम खाते हैं अल्लाह की कसम खाते हैं बिकॉज सबसे कीमती चीज़ है ना ये. तो अल्लाह का विजडम कहता है कि ज़माने की कसम कि ज़माना इज़ सो इम्पॉर्टेंट. सो ये जो नई नस्ल है ना इसको मेरा पैगाम ये है कि आपकी जो ज़िंदगी है ना ये वेस्ट हो रही है. बिकॉज आप ये देखें कि मैं बाहर जाता हूँ मैं फिरता हूँ थोड़ा सा मुझे शौक है कि वहाँ पे यंगस्टर्स हैं उन्होंने अपने रगसैक डाले हुए हैं. कोई ऑस्ट्रिया जा रहा है कोई स्पेन जा रहा है कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है. वो फिर रहे हैं जिंदगी को डिफरेंट कल्चर्स को डिफरेंट सोसाइटीज को अल्लाह की बनाई हुई इस दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं. और हमारे यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स हैं उनको वीज़ा ही नहीं मिलेगा. उनको वीज़ा इसलिए नहीं मिलेगा कि मुल्क की रेपुटेशन नहीं ठीक. मुल्क की रेपुटेशन इसलिए ठीक नहीं है कि मुल्क में इंसाफ नहीं है. जिस मुल्क में इंसाफ होगा ना उस मुल्क के सारे मसले हल हो जाएंगे. उस मुल्क का जीडीपी भी ठीक हो जाएगा. उस मुल्क की पुलिस भी ठीक हो जाएगी. उस मुल्क की क्रिकेट भी ठीक हो जाएगी. उस मुल्क की इकोनॉमी भी ठीक हो जाएगी. उसकी हेल्थ भी ठीक हो जाएगी जहाँ पे इंसाफ होगा. तो यंगस्टर्स को मेरा पैगाम यह है कि इंसाफ के लिए निकलें इंसाफ के लिए उठें इंसाफ के लिए स्टैंड लें. जब आप इंसाफ के लिए जंग लड़ेंगे और जब आपके मुल्क में इंसाफ होगा
तो आपका मुल्क तरक्की भी करेगा और आपके मुल्क की एक नहायत अच्छी रेपुटेशन होगी और फिर वही रेपुटेशन आपकी होगी और उसी रेपुटेशन को लेके आप जाएंगे, दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे, जिंदगी को एंजॉय करेंगे। तो टाइम ना वेस्ट करें, जमाने की कसम अपने मुल्क के लिए कुछ करें। तो जो यंगस्टर्स हैं ना, ये सारे बिजी हैं अपनी प्री पार्टीज में और पोस्ट पार्टी ड्रिंक्स में और फैशंस में और वीडियो बनाने में और तरह तरह की चीज़, और हैं बड़े टैलेंटेड, लेकिन आई डोंट सी यू नो इन आवर यंगस्टर्स दैट दे दिस थिंक वेरी सीरियसली दैट दे हैव टू डू समथिंग फॉर देयर कंट्री, सो व्हिच इज वेरी सैड। कंट्री तो बात की बात है, अपने लिए भी यू नो दे डोंट हैव दैट स्पार्क। एग्जैक्टली, पहले तो वहां से शुरू करें। हां, सो इट इज सैड, आई डोंट सी दैट सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी इन देम। एवरीबॉडी इज बिजी इन देयर ओन एजेंडास एंड इन देयर ओन पर्सनल लाइव्स एंड इन देयर ओन गेन्स and games. Nobody I nowadays see thinking about the country and doing something about it, so which is very sad. Sharbil, thank you so much for being here. Yeah, and thank you so much once again for making our memory so beautiful. No, Nadia, thank you so much for inviting me, and I wish you all the luck and love in the world for this show. Thank you so and much. And I hope aapke 5 million subscribers ban jaye, hai na? Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, viewers. I hope you like the show.